प्रधान जी राम राम। राम राम। तो क्या सोचा, मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ, आपके पैर छूने को तैयार हूँ, आप मेरे सिर पर हाथ रखोगे? मान गए तुझे सोनू, अकेला ही आ गए हैं। प्रधान जी, जब मेरा प्यार मेरे साथ है तो मुझे डर काहे का, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मेरी सब गलतियों को माफ कीजिए और मुझे मेरी उमा दे दीजिए। मुझे इन सब का डर नहीं है, मुझे मेरी उमा से मिलने दो। सोनू बाबू, कहो तो उड़ा देने। कोई नहीं बोलेगा, मैं बात करूंगा। आओ भाई, थारा भी दम देखूं। धानी रावत, सोनू भाई तुम कहो तो भाग के पकड़ू गुंडो को। भाग कर तू बनेगा डिस्कवर। प्रधान जी, अब तो उमा को बुला दीजिए। अगर तू ले जा सकता है तो ले जाओ। उमा, मुनीम जी। जी सोनू बाबू। वो हमारा खानदानी हार लाओ। अब इस पर उमा का हक है। उमा, उमा ये सब क्या? ओहो, तुम इसे अकेले में पहनना चाहती हो। मुनीम जी, ये हार उठाओ। मत चलो मेरे साथ। मेरा हाथ छोड़ो, मैं कहीं नहीं जा रही। अरे पगली, हम अपने घर जा रहे हैं। कौन सा घर? अपने घर। मेरा घर ये है ये। हाँ हाँ, ये भी तुम्हारा घर है, पर अपने घर जा रहे हैं हम। चले जाओ यहाँ से, मैं नफरत करती हूँ तुमसे, चले जाओ। तो तुम सब घर जाओ, मैं बात करता हूँ। ठीक है। नीम जी, उमा मेरी तरफ देखो, तुम्हें डर किस बात का है? पापा का है, समाज का है, मैं हूँ ना, सबसे लड़ जाऊंगा। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। पर क्यों? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी? तेरी मर्जी तो मेरे साथ भाग जाने की भी थी, आज भगा के ले जा रहा हूँ तो तुम मना कर रही हो। नफरत है मुझे तुमसे। मुझसे नफरत? किस बात की? तुम हमारे खानदानी दुश्मन हो। अरे पगली, हमारा तो जन्म जन्म का साथ है, क्या भूल गई सब कुछ अपनी प्रेम कहानी? हाँ, मुझे कुछ याद नहीं। लगता है तुझे तेरे पापा ने डराया है। मार देता हूँ साले को। उनसे पहले मुझे खत्म कर दे। सोनू, उमा पागल ना बन, तू बता क्या करना है, पूरे गांव से लड़ जाऊंगा। बस एक एहसान कर दे, चला जा तू यहाँ से। नफरत है मुझे तुझसे। तू मेरी बुआ के कातिल का बेटा है। हाँ मैं बेटा हूँ उसका, पर तू बता क्या तूने मुझसे प्यार नहीं किया? तू जी पाएगी मेरे बिना या मर जाएगी? अगर मरेगी तो मैं नहीं जाऊँगा। हाँ हाँ, जी लूंगी तेरे बिना, चला जा तू यहाँ से बस। तुम तो कहती थी कि हर लड़का जिस्म और दौलत का भूखा होता है, पर आज मैं कहता हूँ हर लड़की बेवफा होती है। यार बिछड़ा दा 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 दा।
सनम तुम हो मेरे सनम, सोचा तो यही था तुम हो मेरे सनम, तुम हो मेरे सनम, सोचा तो यही था तो इतना था कि दुनिया जीत लूंगा, पर अब ऐसा लगता है ये सांस छोड़ दूंगा। बिन तुम्हारे जिंदगी, बिन तुम्हारे जिंदगी लगता है अब है बेवजह। बिन तुम्हारे जिंदगी, बिन तुम्हारे जिंदगी लगता है अब है बेवजह। फिर भी जी रहे है जहर पी रहे है अब तुमको क्या। तू माने या न माने बस तेरी खता रही है, तू माने या न माने बस तेरी खता रही है। खुदा गवाह हंसते रहो तुम हर एक पल, हंसने के बनो वजह। ना करेंगे शिकायत, ना करेंगे शिकायत, दे रब तुझे सारी खुशियाँ। ना करेंगे शिकायत, ना करेंगे शिकायत, दे रब तुझे सारी खुशियाँ। बाबू ये क्या कर रहे हो आप और दारू? लाओ ये बोतल मुझे दो। मुनीम। क्या मुनीम, मैं तुम्हें गलत रास्ते पे जाने दूं? मुनीम जी अब तो इसी का सहारा है, साला सब साथ छोड़ गए, इसे तो मेरे पास रहने दो। सुना है ये किसी का साथ नहीं छोड़ती, अपने साथ लेकर जाती है। हट।
क्या था क्या हो गया मेरा सोनू बाबू? अरे मुनीम जी, उमा की शादी हो रही है। क्या? हाँ, सोनू कहाँ है? सोनू बाबू तो ऊपर है। चलो ऊपर चलो। चल। सोनू भाई उठो। सोनू बाबू उठो ना। अरे उठ जा बेटा, उमा की शादी हो रही है। मुनीम जी, मैं लेकर आऊंगा उमा को अपने दोस्त की खातिर। ना बिल्लू, जो फैसले हमारे हाथ में ना हो उन्हें वक्त और हालात पे छोड़ देने चाहिए। अगर इनके प्यार में ताकत होगी, मेरा सोनू एक दिन उमा को जरूर पालेगा। इनका प्यार अगर ताकत है तो मिलेगा। सोनू उठ जा बेटा, इसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती बिल्लू। हाँ मुनीम जी। उमा के पास। उमा की शादी हो चुकी है। क्या शादी? हाँ ये सच है, जितना जल्दी समझ जाओ उतना ठीक है। अगर तुम्हें कुछ वक्त चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उमा बाहर आ। सोनू बाहर खड़ा हुआ है, तुझे जाना तो जा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तेरी छोटी बहन और मैं आज ही जहर खाकर मर जाएंगे। पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं अपनी इज्जत से अगर तैने दहलीज पार की, तेरी साथ तेरी छोटी बहन और मेरी लाश भी साथ जाएगी। अब फैसला तेरे हाथ में है, जा भगा दे उसे। जल्दी आ भाई। आया आया। उमा! बिल्लू हाँ? इधर सब आ जाइए जल्दी।
बाबू, मैं तुम्हें कल से ढूंढ रहा हूँ, चलो घर चलो। कहाँ जा रहा तू? कौन है भाई तुम, मुझे जान दो। अरे घर चल बाबू, मैं तेरा मुनीब हूँ। भाई कौन हो तुम? अरे मैं तेरा मुनीम पगले। कौन है तुम? अरे बाबू मैं तेरा मुनीम हूँ। सोनू घर चल वरना मैं मारूंगा। अरे हट। बाबू 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 इसे पी ले, पी ले, इसे पी के कुल्ला कर ले। क्या है यू? दारू है बाबू, इसे पी ले सब ठीक हो जाएगा। पी ले पी ले पी ले पी ले, पी ले, पी ले, ले। रुक रुक रुक, बिल्लू तुझे पकड़, मैं गांव से कुछ आदमी लेकर आता हूँ। यहीं रुक, मैं भी लेकर आया मेरे बाबू। यार बिछड़ा हट मेरा। क्या हुआ बिल्लू, सोनू कहाँ है? आज मैं अपने दोस्त को ना रोक सका, आज मेरी ये बेकार टांग धोखा दे गई मुनीम जी। अगर आज मेरी वो लंगड़ी टांग ठीक होती तो मैं अपने दोस्त को बचा लेता। रुक रुक, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अभी ढूंढते हैं, मेरे साथ आओ सोनू बाबू। मर गया रे।
यासिन तू मेरे को प्यार नहीं करता ना, ये तो बहुत बुरा है, मुझे प्यार कर, मुझको रहने दे। मैंने उसे भगा दिया। अरे यू कौन पड़ा? अरे देखिए इसे, अरे ये तो सोने की चैन भी पहन रखी इसने। निकाल लूं, आज तो मजा ही आ गया। चल 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 जल्दी चल। ओए पागल, और रुक, कहां जा रहा है? और मंदिर में ये जूते, घुसा जा रहा अंदर, तार ही ने पहले। भाग जाओ ऐसे, और यहां क्या कर रहा? मारू लट, भाग जाओ। मुनीम जी, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा आपको, ढूंढो उसे, मैं भी आ रहा हूं। उमा, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से 3 लोगों की जिंदगी खराब हुई है। मैं मजबूर थी, पर इसमें मेरी कोई खता भी नहीं है। खता? खता तुम्हारी है। अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं आपके पापा से बात करके आपकी शादी सोनू से करा देता। मैं जानू सोनू के पास। अब बहुत देर हो चुकी है। मतलब? सुना है कि वो पागल होकर कहीं चला गया। ये तुमने क्या किया उमा? ऐसे इंसान को छोड़ दिया जो तुम्हारे प्यार में पागल तक हो गया? भाई साहब, तुमने हमारा सोनू देखा के? हमने ना देखा, तू अपना हिला देख। रुक रुक रुक, ले आओ। यो लड़का देखा क्या है? नहीं देखा कोई सिने भी।
तक? हमने नहीं देखा। अगर दिखे तो बता दियो। ठीक है जी। गाड़ी रोको, एक मिनट देखते हैं। अरे ये तो सोनू है, उठाओ इसे गाड़ी में लेके चलो। भैया तुम इन्हें नहला धुला के अपने कपड़े पहना दो, मैं तब तक डॉक्टर को फोन करती हूँ। लगता है ये काफी समय से बीमार है, कमजोरी भी आ चुकी है और ये पहले से भी डिसबैलेंस है। दवाई तो मैं इनको दे नहीं रहा हूँ क्योंकि ये खा नहीं पाएंगे। मैं इनको ये ड्रॉप दे रहा हूँ, हर आधे घंटे बाद दो दो बूंद इनके मुंह में डालते रहना। जी ठीक है। चला सोनू बाबू का? नहीं मुनीम जी, मैंने तो सारे में देख लिया पर पता ही नहीं चला सोनू का। ठीक है, ढूंढो, कोशिश करते रहो, मैं भी ढूंढूंगा। ठीक है मुनीम जी। हाँ मुनीम जी, सोनू का कुछ पता चला क्या? नहीं, कोई पता नहीं चला, सब जगह ढूंढ लिया।
शुक्र है आपको होश तो आया। मैं यहाँ कैसे? आप सड़क के किनारे बेहोश पड़े थे तो मैं अपने घर ले आई। और मेरे कपड़े? घबराने की कोई बात नहीं है, आपके कपड़े मेरे भाई ने बदले हैं। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? अगर मैं तुझे दुनिया की सबसे अच्छी खबर सुनाऊं तो बता तू मुझे क्या इनाम देगी? आरती बता ना क्या बात है? जो तू मांगेगी। अरे तेरा सोनू जिंदा है और सही सलामत है। क्या? आरती ये तो क्या कह रही है? आरती सोनू कहाँ है, मुझे जल्दी बता। अरे मैं तेरी सहेली हूँ और मैं तुझे सोनू से मिलवाऊंगी, वो मेरे पास है और बिल्कुल सही सलामत। उमा तू जल्दी से आ जा, मैं सोनू को कहीं नहीं जाने दूंगी, ठीक है? मैं आ रही हूँ आरती, मैं आ रही हूँ। तू सोनू को कहीं जाने मत देना आरती, कहीं मत जाने देना, मैं बता रही हूँ। फिर मेरे साथ धोखा, मुझसे मिलने आएगी वो बेवफा। हेलो। हाँ मुनीम जी, सोनू का पता चल गया है। क्या, सोनू बाबू का पता लग गया? हाँ हाँ, आप जल्दी आ जाइए, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है, वो है कहाँ? मुनीम जी, मेरी फ्रेंड है ना आरती, उसके घर पे। ठीक है, मैं भी आता हूँ। हाँ हेलो। हेलो, आप अभी घर आ सकते हो जल्दी? क्या बात होगी? वो सोनू का पता चल गया है। अच्छा? हाँ। अभी कुछ देर रुको, एक सीरियस मरीज है, उसकी हालत ज्यादा खराब है, मैं उसको देख कर आ रहा हूँ। हाँ आप जल्दी आ जाइए। ठीक है। सोनू का पता चल गया, मेरे सोनू। मेरे सोनू का पता चल गया, कितने टाइम बाद मुझे मेरा सोनू मिलेगा। सोनू। हेलो बाबूजी, सोनू बाबू का पता लग गया। चलो बहुत अच्छी बात है, आप उधर से आइए, मैं इधर से पहुंचता हूँ। ठीक है बाबूजी, जल्दी आ जाओ। हाँ बिल्लू को भी फोन लगाता हूँ, यार है उसका। डिंग 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 डिंग। हेलो बिल्लू, सोनू बाबू का पता लग गया। क्या, सोनू मिल गया? चल आजा जल्दी, मैं भी निकलता हूँ। ठीक है अभी आया। ये फोन पर क्या था? फोन? कौन सा फोन? मुझे पागल मत समझो, मुझे पता है फोन पर तुम उमा से बात कर रही थी। वो तो वो क्या सोचती है,
कि वो शादी करके भी मुझसे मिल पाएगी, ये देखने के लिए कि उसके बगैर मैं कैसे तड़पता हूँ, तो ये उसकी भूल है। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। सच है तुम सब लड़कियाँ बेवफा होती हो, पर मैं उमा का ये सपना पूरा नहीं होने दूंगा कि मुझे अपने पति के सामने जलील करे। तुम गलत समझ रहे हो। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। वो अपने पति के सामने क्या दिखाना चाहती है कि मैं कितना छोटा हूँ और मेरी हार का मजाक बनाना चाहती है। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ मगर अपनी सच्ची मोहब्बत का मजाक सहन नहीं कर सकता। सोनू मेरी बात तो सुनो। बात तुम सुनो मेरी। उससे कहना कि मैं अपनी सच्ची मोहब्बत के लिए ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। उसकी शक्ल देखने से तो बेहतर है कि मैं कहीं जाके मर जाऊँ। प्लीज सोनू। और हाँ, उसे मुझसे मिलना है ना तो आ जाएगी दुनिया छोड़कर। मैं इंतजार करूंगा उसका, क्योंकि मैं बेवफा नहीं हूँ। रुको तो सही। मैं उसके कसूर की सजा खुद को दूंगा, खुद को। सोनू कुछ तो इंतजार किया होता। मैं क्या जवाब दूंगी उमा को कि मैं उसके प्यार को नहीं बचा पाई। बदलो उसका नाम। सोनू, 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 ये क्या किया? इसको पता चला कि तुम आ रही हो तो इसने अपने हाथ की नस काट ली। सोनू, सोनू, ये तुमने क्या किया? नहीं तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सोनू आप तो डॉक्टर है ना, देखिए ना, सोनू को ठीक कर दीजिए ना प्लीज। अरे इसने तो बड़ी खतरनाक नस काट ली। नहीं सोनू, नहीं सोनू, सोनू, नहीं सोनू, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सोनू तुम्हें कुछ नहीं होगा। सोनू मेरे पास सुनो। सोनू मेरे मेरे पिताजी ने मुझे कसम दी थी। सोनू उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो वो पारुल को और खुद को खत्म कर देंगे। मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हें बताओ मैं क्या करती? बताओ ना सोनू मैं क्या करती? सोनू आप बोलिए ना सोनू को आगे खोलने के लिए। सोनू मैं तुम्हारी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। विश्वास करना, मैंने उमा को आज तक जी भर के देखा भी नहीं। ये कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी है। बेटा एक बार और बोल। पापा मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। उमा के लिए मैंने इस पर शक करके बहुत बड़ी गलती करी। चाहे मेरी सारी दौलत लुट जाए, मेरे बेटे को बचा लो। मुनीम जी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर तो मैं भी हूँ, अभी देखता हूँ। नस ज्यादा कट गई, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सारी फैसिलिटी होती है हॉस्पिटल में। उमा, जब मैंने तुम्हें बुलाया तुम आई नहीं, तो मैंने शराब का सहारा ले लिया जबकि तुम मजबूर थी। ये सच्चाई जानकर अब मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है।